सभी को टेक सेंटर की ओर से नमस्कार। आज हम चल रहे हैं रीजनिंग के चैप्टर पर कोडिंग डिकोडिंग, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्ज़ाम में एक नंबर का सवाल रहता ही रहता है, यानी ABCD पर आधारित सवाल को हमको बनाना है। और आपके एग्ज़ाम में ABCD पर आधारित मिनिमम 5 से 7 सवाल रहता है। और इस चैप्टर को बनाने से ABCD पर आधारित जितने भी चैप्टर आएंगे, आप सारे सवाल को आप हल कर सकते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग, जो कि आपके रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, आपको बनाने में दिक्कत होता है तो उस चैप्टर को बना सकते हैं आप आराम से, बशर्ते आपको तरीका पता होगा तो आप आराम से इसको हल कर पाएंगे। तो उसी चैप्टर पर हम चल रहे हैं, कोडिंग और डिकोडिंग पर। और कोडिंग और डिकोडिंग में कुल मिलाकर 12 से 13 टाइप है, जो कि आपके बुक में बहुत सारे सवाल हैं। आपके बुक में मिनिमम 500 सवाल दिया गया है, तो 500 सवाल दिया गया है तो सारे सवाल को आप बना सकते हैं। बस एक दो पॉइंट आप समझ जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। ऐसे हम इसको कंटिन्यू 3 से 4 वीडियो इसका बनाएंगे हम, ताकि हर एक टाइप आपको समझ में आ जाए। तो पहले कोडिंग डिकोडिंग बनाने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उस पॉइंट को आप समझिए, उसके बाद फिर सवाल को बनाइए, तो सारे सवाल हल हो जाएंगे। तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में आपको क्या क्या जानना ज़रूरी है उसको पहले देखिए। कि कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहला काम ABCD का नंबर आपको याद होना चाहिए, ए से लेकर जड तक। ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZ। बहुत आदमी को पता भी होगा कि ABCD का नंबर क्या है, लेकिन सारे स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, जिसको पता है वो भी देखेंगे, जिसको पता नहीं है वो भी देखेंगे, ताकि आपका रिपीट हो जाए सवाल। क्योंकि जानकारी सभी को रहता है, सब कोडिंग डिकोडिंग का नाम सुना होगा, लेकिन सवाल जब बनाने के लिए देता तो वो बना नहीं पाता। तो इसलिए कोडिंग डिकोडिंग को आप समझिए। और हम कुछ GK का हम डाल रहे हैं सुबह में, तो जो स्टूडेंट को याद है फिर भी उसको देखेंगे, ताकि उसका रिपीट हो जाएगा। जिसको याद नहीं है तो उस तो देखेंगे ही देखेंगे। इसलिए GK का भी कुछ हम मुख्य पॉइंट हम डाल रहे हैं, तो सुबह GK का और शाम में मैथमेटिक्स का हम डालेंगे। मैथमेटिक्स और रीजनिंग कोई भी हो जाए उसको डालेंगे। तो दोनों वीडियो को आराम से आप देखते जाएंगे, आपका दोनों GK GS भी याद हो जाए और फिर मैथ रीजनिंग भी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए कि ABCD का नंबर लिख दिया है, नंबर नहीं लिखे ABCD लिख दिया। इसमें आपको करना क्या है कि ABCD का आपको लिखना है नंबर, तो ABCD का नंबर आपको याद होना चाहिए, तब इसको आप बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। तो ABCD देखिए, सारे को ABCD का नंबर याद होना चाहिए। जैसे हम लिखते जा रहे हैं कि जैसे क्यू बोल दिया, क्यू का नंबर आपको पता है 17, जिसको याद है वो मन मन बोलते हुए जाएंगे, क्यू का नंबर 17, टी का नंबर 20, जी का नंबर 7, जेड का नंबर 26, आर का नंबर 18, ई का नंबर 5, बी का नंबर 22, जे का नंबर 10, डी का नंबर 4, पी का नंबर 16, एच का नंबर 8, एफ का नंबर 6, के का नंबर 11, एल का नंबर 12, आई का नंबर 9, यू का नंबर 21, 24, 23। अब उसके बाद एम का नंबर 13, बी का नंबर 2, सी का नंबर 3, ए का नंबर 1, एन का नंबर 14, ओ का नंबर 15, वाई का नंबर 25। तो सारे के नंबर लिख दिए क्योंकि हमको याद है, तो आप भी इसको याद कर लीजिए। जैसे याद करना कर सकते हैं, याद करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल करना याद कर सकते हैं। ABCD का इस तरह से लिख लेंगे एक पेपर में, और इसको तब तक आप अपने पैकेट में रखेंगे जब तक आपको याद नहीं हो जाए। ऐसे याद रखने का तरीका है EJOTY सेफलोरॉक्स भी है, लेकिन उस तरीका का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उसको सोचने में हमको टाइम लग जाएगा 2 मिनट, तब तक में तो सवाल निकल जाएगा। तो इसलिए इसको रट लीजिए, क्योंकि ABCD पर आधारित बहुत सारे सवाल आपके एग्ज़ाम में मिलते हैं। तो इसको करने के लिए आप ABCD लिख लेंगे एक पेज में, और पेज में लिखने के बाद उस पेज को तब तक रखना है पैकेट में जब तक याद नहीं हो जाए। यानी कहने का मतलब 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जब तक रटा नहीं जाए ABCD पूरी तरह कंटस्ट, तब तक हमको पैकेट में रखना। ज़्यादा नहीं करना क्या है कि 5 गो ही ए से लेकर ई तक ही याद करना है। पहले ए से लेकर ई तक याद करना है, कोई दिक्कत नहीं। ए से लेकर ई तक याद हो जाएगा, फिर 5 गो एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो हो गया 10 गो। ऐसा नहीं कि एक के बार तुरंत ही याद कर लेना, फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर 10 गो याद हो गया तो फिर 15 तक चलेंगे,
फिर 15 याद हो गया तो 20 तक चलेंगे, 20 से 25 26 तक याद हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इसको जैसे याद करना आप याद कर लो, याद करके उसके बाद फिर सवाल आप बना सकते हैं। अब उसके बाद एक होता है उल्टा, उल्टा भी हम याद करवा देते हैं आपको, उल्टा याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ आपसे यह निवेदन है कि ए बी सी डी का नंबर किसी द्वारा आप याद कर लीजिए। अब उल्टा याद कैसे करेंगे, देखिए मैथमेटिक्स में भी हम चैप्टर चलेंगे, बहुत आदमी का कहना है कि रीजनिंग नहीं चल रहा है तो इसीलिए रीजनिंग हम पढ़ाना शुरू किए हैं। तो देखिए उल्टा, ए उल्टा जेड होता है, बी उल्टा वाई होता है, सी उल्टा एक्स होता है। इसको याद रखने का तरीका होता है बाय बाय, बाय बाय आपको याद होता है, बाय बाय याद रखिए, बी उल्टा वाई, सी उल्टा एक्स, सी एक्स, सी एक्स याद रखेंगे, डी उल्टा डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू याद रखिए, या दूध वाला, दूध वाला, जो भी बोलना है तो बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कोई भी चीज़ को याद रखने के लिए किसी भी चीज़ का प्रयोग कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि दूध वाला हम बोले तो दूध वाला को ही बोले, ऐसा कुछ नहीं है। दूध वाला, डी से दूध होता है, डब्ल्यू से वाला होता है, दूध वाला हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद डी के बाद क्या होता है, ई, ई उल्टा भी होता है, एल ओ भी, लव को देखेंगे, एल को उल्टा ओ, ओ को उल्टा एल, भी को उल्टा ई और ई को उल्टा भी। लव एक दूसरे का उल्टा है तो जब भी ई को उल्टा पूछेगा तो ई भी, तो लव एक दूसरे का सारे उल्टा है, तो एल को उल्टा ओ को उल्टा एल, भी को उल्टा ई, ई को उल्टा भी, तो सब उल्टा हो गया। ई के बाद क्या होता है एफ, एफ का उल्टा यू, उप याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यू एफ उप हो गया। ई एफ जी, जी को उल्टा होता टी, जी टी रोड, जी टी रोड हो गया, जी को उल्टा टी, जी टी रोड। जी के बाद क्या होता है एच, एच एस, एच एस कॉलेज लिख सकते हैं या हाई स्कूल लिख सकते हैं, एच एस, एस से हाई, एस से स्कूल, हाई स्कूल याद रखिए, लिख देते हैं हाई स्कूल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एच के बाद क्या होता है आई, आई को उल्टा होता है आर, इंडियन रेल, आई को उल्टा आर, आई आर या इंडियन रेल याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई जे के आई, आई के बाद क्या होता है एल, एल के लिए अभी लव, एल ओ, एल ओ भी, लव को लिखे हैं, एल को उल्टा ओ को उल्टा एल, भी को उल्टा ई, ई को उल्टा भी, कोई दिक्कत नहीं है। एल को उल्टा ओ, उसका एल एम, एम को उल्टा एन, मैंने या एम एन याद रख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको शॉर्ट कट फॉर्म में आप याद रख सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देते, यह उल्टा है, किसका उल्टा कौन होगा, इस उल्टा है, ए को उल्टा जेड, बी को उल्टा वाई याद रखने का तरीका बाय बाय, सी को उल्टा एक्स, सी एक्स याद रख लेना, डी को उल्टा डब्ल्यू, दूध वाला या डी डब्ल्यू, आगे है ई को उल्टा भी, एल ओ भी आप लिखते हैं, लव यानी भी को उल्टा ई, ई को उल्टा भी, तो यहाँ पर लव के हिसाब से चार लेटर उल्टा आपका दिख रहा है। एफ को उल्टा यू, उप, उप याद रखेंगे, ओ एफ, उप हो गया। जी को उल्टा टी, जी टी रोड हो गया, जी टी रोड चल देंगे। एच को उल्टा एस, हाई स्कूल हो गया, एच से हाई, एस से स्कूल, हाई स्कूल हो गया। आई आर, इंडियन रेल, आई से इंडियन, आर से रेल, तो इंडियन रेल याद रख सकते हैं। एल को उल्टा ओ, एल ओ भी ई लिखते हैं, एल को उल्टा ओ हो गया, यहाँ पर सीरियल वाइज लिखा हो, एल को उल्टा ओ। एम को उल्टा एन, मैंने हो गया, एम एन याद रखिए या मैंने याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, और जैसे भी याद करना है आपको याद करना है, याद कर लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये जैसे भी याद करोगे इसको याद करना ही पड़ेगा, तब सक्सेस करोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो एक तरीका और आपको बता देते हैं इसका उल्टा, उल्टा के लिए हम लिख रहे हैं, फिर से देखिए, जैसे एक अभी हम लव लिखे, एल ओ भी, एल ओ भी, लव एक दूसरे को उल्टा है, एल को उल्टा ओ, ओ को उल्टा एल,
बी को उल्टा ई और ई को उल्टा बी, तो लव एक दूसरे का उल्टा है, इसे याद रखेंगे। उसके बाद एक एस एच आर आई डी डब्ल्यू भी, श्री देवी को भी याद रखेंगे तो ये उल्टा है, एस को उल्टा एच, एच को उल्टा एस, आर को उल्टा आई, आई को उल्टा आर, डी को उल्टा डब्ल्यू, डब्ल्यू को उल्टा डी, भी को उल्टा ई और ई को उल्टा भी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तुरंत हम बताएं एस का उल्टा एच, हाई स्कूल, इंडियन रेल, दूध वाला भी, लव के अनुसार से, इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे याद करना है आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये याद करने पर ही आप कोडिंग डिकोडिंग और बहुत सारे चीज ए बी सी डी पर आधारित सवाल को आप हल कर सकते हैं। तो इसको याद करना है, आप याद कर लीजिए, उसके बाद सवाल को हम बनाते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप ए बी सी डी का नंबर याद रखेंगे, तो एक तरीका और हम आपको बताएंगे जिसमें आप उल्टा याद रख पाएंगे। एक तरीका और याद है, याद करने का तरीका है, लेकिन वो हम कल बताएंगे, क्योंकि ए बी सी डी याद हो जाएगा तो सारा सवाल आप बना सकते हैं। देखिए अब अगला पॉइंट क्या है आपका, आज हम चलेंगे ए बी सी डी पर आधारित बेसिक क्लास, उसके बाद फिर सवाल हम अगले वीडियो चलेंगे। देखिए यहां पर सबसे पहला काम, अगर आपको बोल दे यहां कि एक्स में पांच को जोड़ना, x में पाँच को जोड़ना, जैसे यहाँ पर हम बोल देते हैं, छोटा सा दूसरा लेते हैं, जैसे f प्लस टू, g प्लस थ्री, या h प्लस फाइव, या i प्लस सेवन, तो ये सब लेटर क्या देगा, तो लेटर क्या देगा, देखिए f का नंबर कितना होता है, सिक्स, तो F का नंबर सिक्स होता है, सिक्स प्लस टू कितना होता है, एट, एट लेटर क्या होता है, H, आपको अभी सीरी की नंबर याद होगा तो H होगा, तो बस H हो गया, क्योंकि इसी का प्रयोग होगा, हम सवाल पर चलेंगे तो इसी का प्रयोग हम करेंगे, इसलिए हम सिखा रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं था। G का नंबर क्या होता है, सात, सात प्लस तीन कितना हो गया, दस, दसवां लेटर क्या होता है, जे, ऐसे लिख सकते हैं। एच का नंबर आठ, आठ पाँच तेरह, तेरहवां लेटर क्या होता है, तेरहवां लेटर एम होता है, एम हो गया। आई का नंबर नौ, नौ सात सोलह, सोलहवां लेटर पी, तो इस तरह से आप कोई भी लेटर में किसी भी डिजिट को आप जोड़ सकते हैं तो आपका आंसर निकल सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लेकिन यहां पर जोड़ने के लिए आपको, अगर यहां पर बोल दे, जैसे यहां पर बोल दे कि एक्स प्लस सिक्स क्या होगा, तो x प्लस सिक्स क्या होगा, x का नंबर तो 24 होता है, ध्यान से देखना, x का नंबर 24 होता है, 24 प्लस सौ, तो 24 प्लस सौ कितना पता चला, 30, तो 24 प्लस सौ 30 हो गया, तो तीसवा लेटर आपको पता है क्या, तीसवा लेटर आपको पता नहीं है, तो नहीं पता है तो याद रखना है कि जब आगे हो जाए, जब आगे हो जाए यानी 30 26 से ज़्यादा हो जाए तो क्या करेंगे, 26 उसमें घटा देंगे, तो 26 इसमें घटाइए, तो 26 इसमें घटाए तो कितना आ गया, चार, चौथा लेटर आपको पता है, चौथा लेटर क्या होता है, डी, बस यही आंसर हो गया। फिर से एक बार समझिए कि एक्स में यदि 6 को हमको जोड़ना है तो एक्स का नंबर 24 होता है, 24 प्लस 6 30 हो गया, तीसवां लेटर नहीं होता, क्योंकि ए बी सी डी का नंबर ओनली फॉर 26 भी होता, 26 होता है यानी 26 होता है, तो 26 वो होता है, तो ये हो गया 30 लेटर हो गया, तो 30 लेटर तो आपको पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो तुरंत आप क्या करेंगे, 26 इसमें माइनस कर लेंगे, 26 इसमें माइनस किया तो बच गया कितना, 4, तो 4 लेटर का नंबर आपको पता है कि 4 नंबर पर डी आता है, बस यही आपका आंसर हो गया डी, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जैसे यहां पर हम दूसरा लिखते हैं वाई प्लस 10, वाई का नंबर 25, 25 प्लस 10 कितना हो गया, 35, तो 35वां लेटर तो आपको पता नहीं, 26 इसमें घटा दिए, तो 26 घटेगा तो 9 होगा, तो 9 लेटर क्या होता, आई, बस ये आपका आंसर हो गया आई। जैसे यहां पर हम बोल दिए कि टी में 20 को जोड़ना, टी में 20 को जोड़ना, टी का नंबर कितना हो गया, 20, 20 20 कितना, 40, तो इसमें 26 घटा देते, तो 26 घटा देते कितना हो गया, 14, 14वां लेटर तो आपको पता है कि 14वां लेटर क्या होता है आपको, एन, बस ये आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि जोड़ने के लिए आप सीख चुके होंगे कि अगर 26 से ज़्यादा लेटर आ गया तो आप क्या करेंगे, आपको पता चल गया। तो इसी प्रकार से
अब दूसरा चीज़ हम सिखाते हैं आपको, क्योंकि ये सीख जाएंगे तो कोडिंग डिकोडिंग के सवाल को आप आराम से हल कर सकते हैं, और इसी में आपको गलती करवाता है सेटर, और इसी में स्टूडेंट गलत कर देता है और सब जानते हुए भी सवाल को नहीं बना पाते। तो ध्यान देंगे इस चीज़ को। देखिए जैसे हम यहाँ पर चलते हैं कि जैसे यहाँ पर चलते हैं कि वन ए, ए में यदि हम थ्री को घटाते हैं, ए का नंबर कितना वन, ध्यान से देखेंगे, ए में यदि थ्री को घटाते हैं तो क्या घटेगा, क्या अगर बाई चांस गलती से घट गया तो वन में थ्री घटाएंगे तो घटेगा नहीं, थ्री में वन घटेगा, तो थ्री में वन घटेगा तो माइनस टू होगा, समझ रहे हैं, थ्री में वन घटेगा तो टू होगा, लेकिन माइनस का सिंबल होगा क्योंकि थ्री ज़्यादा है वन कम है, तो माइनस टू किसी का नंबर होता है क्या, माइनस टू किसी का नहीं होता, तो माइनस टू किसी का नंबर नहीं होता ए बी सी डी में, तो प्लस टू का नंबर हमको करना, तो ऐसा नहीं कि यहाँ बी आंसर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा आपका, तो माइनस टू आया तो इसको प्लस आपको करना है, तो प्लस करने के लिए जिस प्रकार से ज़्यादा हो गया था 26 से ज़्यादा तो उसमें 26 आप घटा लिए, तो उसी प्रकार से माइनस में आ गया तो याद रखेंगे उसमें 26 जोड़ के हम प्लस कर लेंगे, तो 26 इसमें जोड़ दिए, 26 इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 24 आ गया, 24वां लेटर आपको पता है क्या होता है, एक्स, बस ये आंसर होगा। फिर हम अगला सवाल हम लिख रहे हैं, हो सकता है नहीं समझ में आया हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम यहाँ लिखते हैं बी, बी में यदि पाँच को घटाते हैं तो बी का नंबर दो, दो में पाँच घटता है क्या, दो में पाँच घटता नहीं है, अगर घट गया तो होगा इसको हम लिखेंगे कितना, माइनस थ्री, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस थ्री आया, माइनस में किसी भी लेटर कोई भी लेटर नहीं होता है, तो माइनस को प्लस करने के लिए 26 इसमें जोड़ दिए, 26 इसमें जोड़ेंगे तो यह होगा 26 में यह तीन घट जाएगा तो हो गया 23, तो 23वां लेटर क्या हो गया, डब्लू, यह डब्लू आंसर हो गया। अब मुख्य चीज़ आपको समझ में आ गया कि यदि नहीं घटेगा, यदि घट घटा दिया माइनस में आ गया तो उसमें 26 जोड़ देंगे, और 30 से ज़्यादा हो गया तो उसमें 26 घटा लेंगे, ये चीज़ को याद रख सकते हैं। तो हम क्या बोले कि 30 से ज़्यादा हो गया तो उसमें 26 घटा लेंगे, और माइनस में आ गया तो उसमें 26 जोड़ लेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा लेटर आपका आ रहा है। तो और इसका दूसरा तरीका है और हम आपको सिखा देते हैं। देखिए इसमें एक्स आप निकालें, यदि कोई आदमी ऐसे बना दे कि यदि यहाँ पर नहीं उस तरह से हमको बनाना है तो ए में यानी वन में तीन नहीं घटेगा, तो एक काम कर सकते हैं 26 यहीं पर जोड़ सकते हैं, 26 यहीं पर जोड़ सकते हैं, 26 एक कितना हो गया 27, अब तो 27 में तीन घटा सकते हैं आप, तो 27 में तीन घटेगा कितना होगा 24, तो 27 में तीन घटेगा 24 होगा, तो 24वां लेटर आपको पता है क्या होता है, एक्स, बस एक्स आंसर होगा। यानी यहाँ पर भी 26 जोड़ के बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर अभी हम क्या लिखे थे, इसको हम लिखे थे कि वन में यदि तीन नहीं घटेगा तो इसको तीन में वन घटेगा तो क्या लिखेंगे, माइनस टू, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में आ गया तो माइनस को प्लस करने के लिए 26 जोड़ते हैं तो हो गया 24, 24वां लेटर क्या हो गया, एक्स, इस तरह से बनाए थे। लेकिन इस तरह से नहीं बनाओगे तो अगर नहीं घटेगा तो शुरू में 26 आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं चलेगा, शुरू में भी 26 आप जोड़ के आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आ गया, जैसे बी में टू घटा, बी का नंबर टू, टू में टू घटा तो कितना होंगे, जीरो, तो जीरो लेटर आप याद रखेंगे जट का, जीरो लेटर किसका होता है, जट, जीरो जट, जट से जीरो, जीरो लेटर जट का, आपको समझ में आ गया कि जीरो लेटर आपका क्या होगा, जट, जीरो जट माइनस में होगा तो प्लस करने के लिए 26 जोड़ेंगे, 30 यानी 26 से ज़्यादा हो जाएगा 26 घटा देंगे, ये चीज़ को याद रखना है तब आप सवाल को हल कर पाएंगे। देखिए हम जैसे दूसरा चीज़ यहाँ पर देते हैं, जैसे एग्जांपल में हम सवाल को लेते हैं, जैसे है ए आर टी पी, इसमें सब में दो जोड़ना है, मान लिया जाए दो जोड़ना है, अब सवाल को नहीं बनाना, सवाल इसी तरह चलेगा, सब में दो को जोड़ना है तो ऐसे जोड़ेंगे, ए का नंबर क्या याद है, एक, एक में दो जोड़ना है तीन, तीसरा लेटर से लिखेंगे, आर का नंबर 18, 18 दो 20, 20वां लेटर क्या टी हो गया, 20 दो 22, 22वां लेटर भी हो गया, 16 दो 18, 18वां लेटर आपका क्या हो जाएगा, आर, बस ये आंसर हो जाएगा।
तो कहने का मतलब है कि जोड़ घटाव करने के लिए आपको एबीसीडी का नंबर हर हाल में याद होना चाहिए। एबीसीडी का नंबर याद आपको नहीं होगा तो आप सवाल को नहीं हल कर पाएंगे, सवाल आपसे नहीं बनेगा। तो एबीसीडी का नंबर हर हाल में आप याद कीजिए, जैसे भी करना याद कर लीजिए। और अगले वीडियो में बेसिक चीज़ ये आपको मिल गया, बेसिक चीज़ इतना काम आप कर लेंगे, जैसे भी करना कर लीजिए, रट लीजिए। और रटने के बाद कल हम चलेंगे सवाल को लेके आएंगे। आज का आपका होमवर्क रहा कि एबीसीडी पर एबीसीडी का नंबर याद करना, उल्टा याद करना, 26 से ज़्यादा हो जाए तो क्या करेंगे, माइनस में आ जाए तो क्या करेंगे, बस इसको करना और कुछ नहीं करना। तो ठीक है, आज रहने देते हैं इतना ही, अगले वीडियो में हम चलेंगे इसको, सभी को याद कर लेंगे। शाम में मैथ या रीजनिंग का हम वीडियो डालेंगे और सुबह में जीके जीएस का वीडियो डालेंगे, तो दोनों वीडियो को ज़रूर देखेंगे। जीके जीएस में बहुत आदमी को लगता होगा कि याद ही होगा, याद होगा फिर भी देख लेना, रिपीट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई खराबी नहीं करेगा। याद जिसको है तो कोई दिक्कत नहीं, जिसको याद है नहीं है वो ज़रूर वीडियो को देखेंगे। और अच्छा लगे तो एक दूसरे को सेंड ज़रूर कीजिए, मिनिमम जितने भी दोस्त आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं ज़रूर उसको सेंड कीजिए। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं।